हाँ जी, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को प्रवीण चौधरी यानी कि पीसी बाबा का तहे दिल से नमस्कार। राइट, बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नए नवेले सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम यहाँ पे है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। बराबर है, यानी कि बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में इस चीज को नाम देना चाहूं तो नाम दिया जा रहा है DPA। राइट सर, एक सेकेंड, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये न्यू सिलेबस का, कौन से सिलेबस का बेटा? न्यू सिलेबस का जो मॉड्यूल नंबर 1 है, सबसे पहला मॉड्यूल, मॉड्यूल मतलब ग्रुप, ठीक है, जो सबसे पहला ग्रुप है जिसमें 3 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। एक है आपका एथिक्स गवर्नेंस वाला, दूसरा है आपका इन टैक्सेशन वाला, एडवांस टैक्सेशन वाला, और तीसरा वाला जो आपका है वो है आपका ये ड्राफ्टिंग वाला। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और यहां पे बता दूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो ये सब्जेक्ट जो है वो आपके ओल्ड सिलेबस का, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो ओल्ड सिलेबस है उस ओल्ड सिलेबस के अंदर ग्रुप नंबर 3 जो आपका हुआ करता था, मॉड्यूल नंबर 3 जो आपका हुआ करता था, उस मॉड्यूल में भी एक सब्जेक्ट आपका होता था ड्राफ्टिंग अपीयरेंस एंड प्लीडिंग नाम का, DAP। बराबर, ध्यान से सुनिएगा, उसमें जो सब्जेक्ट होता था वो था आपका DAP, और यहां जो सब्जेक्ट है उसका नाम क्या कर दिया गया है? DPA। राइट, ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज, यानी कि यहां बेसिकली मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं, फिलहाल हम मॉड्यूल जो है वो यहां पे रेफर कर रहे हैं, और यहां पे एक एक पॉइंट जो है वो मैं आपको यहां इंपॉर्टेंटली बताने वाला हूं कि आखिर आपका जो ये वाला सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट पुराने सब्जेक्ट से कैसे, कहां मेल खाता है, उसके जैसा है, और कहां कहां पे ये अलग रहेगा। बराबर है, तो ध्यान से बेटा, सबसे पहली बात, अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूं, चैप्टर नंबर कौन सा? 1, ठीक है, जो किसके बारे में है? जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के बारे में है। अगर मैं ये वाले चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर आपका जो है वो यहां पे एकदम नया नवीला चैप्टर दिया गया है, जो कि ना ही तो एग्जिट में कहीं पे कवर किया गया है और ना ही पुराने ओल्ड सिलेबस में प्रोफेशनल पे कहीं पे कवर किया गया था। ठीक है, और मेरा यह मानना था कि अगर आप ड्राफ्टिंग के सब्जेक्ट की बात करते हैं, जहां पे कि बाकी सारी चीजें आपने कवर करी, वहां ये पॉइंट भी कवर करना जरूरी है कि आखिर लेजिस्लेशन को लेके जो पावर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होते हैं वो आखिर किसके पास होते हैं। बराबर है, बच्चों को इस बात का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो पहला चैप्टर आपका है ये बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन यहां पे किया जा रहा है, इससे बच्चों का जो नॉलेज रहेगा इस प्रैक्टिस का, इस प्रोफेशनल कोर्स का, वो काफी अच्छा हो जाएगा। बराबर है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ सेम वैसा ही है जैसा ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था। ठीक है, उसके अलावा यहां पे जो तीसरा एक चैप्टर आया है, नाम क्या है बेटा? नाम है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इन ड्राफ्टिंग द नोटिसेस, एजेंडा, मिनट्स ऑफ द कंपनीज मीटिंग एटसेट्रा। ये जो चैप्टर आपका है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा, रीजन बीइंग कि यहां पे आपको ड्राफ्टिंग के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। अब बेटा एक बात यहां ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ड्राफ्टिंग अपीयरेंस एंड प्लीडिंग इस नाम के सब्जेक्ट की बात करूं तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बेसिकली एग्रीमेंट्स को ड्राफ्ट करना आता था। ठीक है, एंड एग्रीमेंट्स के अलावा एक और चीज आपकी होती थी जिसको ड्राफ्ट करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता था, वो थी प्लेडिंग्स वगैरह। ठीक है, प्लेंट, पिटीशन, वो सब चीजें जो होती थी वो आपको पूछा जाता था। लेकिन अब पॉइंट ऐसा है कि यहां जब आपका ये तीसरे वाला चैप्टर यहां पे ऐड हो रहा है तो इसकी वजह से आपको यहां पे नोटिसेस के बारे में ड्राफ्ट करना, उसके अलावा जो रेजोल्यूशंस आपके होते हैं उनको ड्राफ्ट करना, उनके अलावा जो मिनट्स आपकी रहती हैं उनको ड्राफ्ट करना, या फिर एजेंडा जो होता है किसी भी मीटिंग का, उस एजेंडा को ड्राफ्ट करना, किस तरीके से उनको ड्राफ्ट किया जाता है, कौन से लीगल प्रोविजंस का ध्यान रखना है, कौन से लीगल वर्ड्स का ध्यान रखना है, फ्रेमिंग किस तरीके से होनी चाहिए, उन सारी चीजों की बात जो है वो यहां पे करी जा रही है। बराबर है सर, यहां एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर मैं ये थर्ड वाले चैप्टर की बात करूं तो ये थर्ड वाला चैप्टर ओल्ड वाले में भी कवर किया गया था, लेकिन थोड़ा सा वेगनेस में था।
सर वेगनेस में मतलब वहां कुछ दिया हुआ था प्रमोटर्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, फिर कंपनी लॉ के अदर प्रोविजंस के बारे में, फिर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के बारे में। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि सर ये जो चैप्टर आपका है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाला या फिर बाकी जो टॉपिक है कंपनी लॉ से जुड़े हुए, सर वो तो बोले हम ऑलरेडी आपके सीआरवीआई नाम के सब्जेक्ट में या फिर एसीएलपी एडवांस कंपनी लॉ नाम का सब्जेक्ट आपका हुआ करता था या सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर जो कंपनी लॉ नाम का सब्जेक्ट है उसमें कवर कर चुके हैं, उसको यहां लाने की क्या जरूरत थी। बराबर है, तो अभी उसी पर्टिकुलर चीज को वापस से रीफ्रेम किया, चैप्टर नंबर 7 को वहां से हटा के मतलब उसी को रीफ्रेम करके चैप्टर नंबर 3 जो है वो यहां पे ला दिया गया। बराबर है, एंड ये चैप्टर नंबर 3 आपका जो है ये पूरा का पूरा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मतलब बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आपको जो जो चीजें करनी पड़ती है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1-2 ये सब जो है वो आपको फॉलो करने और उसके अलावा जो ड्राफ्टिंग आपको करनी होती है मिनट्स वगैरह रेजोल्यूशंस वगैरह उन सब चीजों के बारे में भी ये डिस्कस करता है। गॉट इट। उसके अलावा चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। और 8 वाला भी देखिए, 8 वाला भी वापस से आपका वही आ गया, ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट, लेकिन यहां पे वही वाले टॉपिक प्रमोटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, बराबर है, या फिर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में जो स्कीम वगैरह ड्राफ्ट की जाती है उसकी ड्राफ्टिंग वगैरह वो सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लीडिंग, ये पहले भी हुआ करता था आज भी है। फिर आर्ट ऑफ राइटिंग ओपिनियन, ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें कि आप बीइंग, अगर मैं लीगल प्रैक्टिशनर की बात करता हूं, बीइंग अ प्रोफेशनल की बात अगर मैं करता हूं, तो हो सकता है कि कुछ मैटर्स के अंदर लीगल केसेस के अंदर आपका ओपिनियन क्या है वो चीज आपसे रिटर्न में मांगी जाए। बराबर, लीगल एडवाइस जो होती है वो आपसे मांगी जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये सब राइटिंग में देना होता है तो उसका ड्राफ्ट जो है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए वो आपका कवर होता है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। और फिर उसके बाद में आपका आता है चैप्टर नंबर 11 जो कि काफी ज्यादा प्यारा चैप्टर है। क्या? अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कोर्ट के सामने अपीयर होना। सर यूजुअली अगर मैं बात करता हूं कंपनी सेक्रेटरी के बारे में तो हम ये जानते हैं कि कंपनीज एक्ट जो होता है वो हमें गवर्न करता है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसके हिसाब से जो आपकी एनसीएलटी बॉडी है या एनसीएलएटी बॉडी जो है उसके सामने हम अपियर हो सकते हैं अपने क्लाइंट के केस को लेके। लेकिन उसके अलावा भी अगर काफी सारी जगहों पे बात की जाए तो अलग अलग एक्ट ने हमें अथॉरिटी दी हुई है कि हम बाकी जो कोर्ट वगैरह है वहां पे भी कुछ केसेस में अपियर हो सकते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स की बात जो है वो यहां पर की जाएगी चैप्टर नंबर 11 के अंदर। यानी कि कुल मिला के यहां पर अगर देखा जाए तो 11 चैप्टर्स आपके यहां पर हैं। अगर मैं पुराने वाले ड्राफ्टिंग की बात करूं तो उसमें कुल मिला के 10 चैप्टर्स हुआ करते थे, यहां 11 चैप्टर्स है। राइट, कौन सा चैप्टर ऐड हो गया है बेटा? बहुत सिंपली मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहला चैप्टर जो है ये आपका यहां ऐड किया गया है जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इसका एडिशन जो है वो यहां पर किया जाए। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इस सब्जेक्ट के मार्क्स की बात करूं तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कुल मिला के 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है जिसके अंदर कोई बाइफर्केशन किया हुआ नहीं है, मतलब कोई 70-30, 60-40, 50-50 ऐसा कोई पार्ट यहां डिवाइड किया हुआ नहीं है, पूरा का पूरा एक ही पार्ट है। 100 मार्क का आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है वो आएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए, सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि ये चैप्टर को हम कोई दूसरे नोट्स वगैरह रेफर ना करते हुए मॉड्यूल में से ही पढ़े क्योंकि मॉड्यूल जो है वो हमारा बाइबल है। राइट, चलिए, तो चैप्टर का नाम क्या है? जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। बराबर है सर, ध्यान से अगर बोले हम हमारी कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर जो मदर ऑफ ऑल लॉ है वो कौन सा है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरीवन नोज अबाउट इट। बराबर है, यानी कि हमारी कंट्री में जो भी लॉज वगैरह बनाए जाते हैं वो सब किसके हिसाब से होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से होते हैं। सर इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें एक बात और पता है कि हमारे कंट्री के अंदर जो भी बॉडीज डिसाइड की गई हैं वो बॉडीज 3 टाइप की होती है। सर कौन सी? सर बोले एक होती है जिसका नाम होता है लेजिस्लेटिव बॉडी,
बराबर है, या हिंदी में अगर आप बोलना चाहे तो कह सकते हैं कानून बनाने वाली जो बॉडी होती है उसे आप लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं, या लेजिस्लेचर बनाने वाली जो बॉडी है उसे आप लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपकी होती है जिसे आप कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। कौन सी बॉडी बेटा? एग्जीक्यूटिव सर, जो कि चीजों को एग्जीक्यूट करने का काम करती है, जो कानून बनाया गया होगा उस कानून को इंप्लीमेंट करने का काम करती है, उसके हिसाब से चीजों को एग्जीक्यूट करवाने का काम करती है, उसे आप कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, बराबर है। एंड यूजुअली यूजुअली ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो काम होता है वो काम भी इनके ही पास रहता है, यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है। एंड उसके अलावा जो एक और बॉडी आपकी होती है उसे आप नाम देते हैं जुडिशियल बॉडी, या जुडिशियरी भी आप इनको बुला सकते हैं। अंडरस्टूड सर? अगर हम इंडिया में बात करें तो लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो सिंपल तौर पे आपका जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, पार्लियामेंट के जो दो हाउसेज आपके रहते हैं उनके पास में लेजिस्लेशन का काम होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की बात करूं तो सिंपल तौर पर हम यहां बोल सकते हैं कि जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री आपकी होती है, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, बराबर है सर। हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है वो यहां पे दी गई हैं, और ये सारी की सारी मिनिस्ट्रीज जो आपकी रहेंगी ये आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में काउंट करी जाएगी, बराबर है। लेकिन उसके बाद जो आप बात करते हैं अबाउट द जुडिशियल बॉडी और जुडिशियरीज की बात अगर करें, ठीक है, तो बेसिकली यहां एक ही वर्ड में मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी कोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो कोर्ट्स वगैरह हैं जिनको कि उनका पावर जो है जुडिशियरी पावर जो है वो उनको कहां से मिला है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, तो उन्हें यहां पर नाम दिया जाता है क्या? जुडिशियरी बॉडी। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आपकी ये जुडिशियरी बॉडीज होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं। सर इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये ना ही तो किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंडर काम करते हैं और ना ही किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के अंडर काम करते हैं, बल्कि इनको जो भी काम करना होता है, इनकी जो भी पावर होती है वो स्ट्रेट अवे इनको मिलती है कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लायक, गॉट इट। चलिए तो शुरू करते हैं ये लेसन नंबर वन को, जिसमें अगर मैं आउटलाइन की बात करूं तो यहां पे आप फंक्शंस की बात करने वाले हैं, कानून के क्या क्या फंक्शंस हैं। दूसरा ट्राइब्यूनल्स एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव में बच्चों को पूछ पूछ के थक जाता हूं, बेटा बताओ जुडिशियरी एंड क्वासी जुडिशियरी बॉडीज के बीच में क्या डिफरेंस है, बच्चे नहीं बता पाते, बराबर है। एग्जीक्यूटिव छोड़ो, प्रोफेशनल के बच्चे जो कि ओल्ड सिलेबस में हुआ करते थे उन बच्चों को भी ये नहीं पता होता था कि सर आखिर जुडिशियल बॉडी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी ये दोनों के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, बराबर है। यहां बहुत ही अच्छा काम किया कि आपके ICSI ने उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज को यहां इंप्लीमेंट कर दिया, बराबर है। वरना सही में अगर मैं आपको बताऊं तो इवन ऐसे बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज भी हैं और ऐसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं जिनको अगर आप सिंपली पूछने जाओगे कि क्वासी जुडिशियल बॉडी और जुडिशियल बॉडी में क्या डिफरेंस है तो वो नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे सर? क्योंकि ऐसा कोई डिफरेंस हमारे सिलेबस में कभी था ही नहीं। हाँ, क्वासी जुडिशियल बॉडी अलग अलग जगहों पे वर्ड यूज किया गया, जुडिशियल बॉडी भी अलग अलग जगहों पे वर्ड यूज किया गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें पता ही नहीं है और ना ही कभी कोई सिलेबस में पूछा गया, ना ही एग्जाम में कोई डिफरेंस ऐसा पूछा गया, राइट। बट इट इज इंपॉर्टेंट, जरूरी है आपको यह पता होना कि आखिर जुडिशियल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी में डिफरेंस क्या होता है, फर्क क्या होता है, बराबर है। तो बहुत अच्छी बात है, ये अपन यहां कवर करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ कोर्ट जो है वो कवर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक यहां दिया गया है, राइट। फिर प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ सिविल कोर्ट्स एंड ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट, ये भी बहुत ही प्यारा। हालांकि अगर मैं ये टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं जो लास्ट में प्लीडिंग नाम का टॉपिक आपका दिया गया है जिसमें कि पिटीशन वगैरह की बात करते हैं वहां कवर किया गया है, बट स्टिल इसको और डिटेल में यहां अच्छे से दिया गया होगा जिसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एपिलेट फॉरम के बारे में भी दिया गया है, वेरी नाइस,
रेफरेंस रिव्यू रिवीजन अंडर सीपीसी, इसके बारे में भी पहले बात हो चुकी है, मतलब ओल्ड सिलेबस में भी ये टॉपिक हुआ करता था, यहां पे भी टॉपिक को दे दिया गया है, बहुत ही अच्छी चीज है, पढ़ेंगे उस चीज को भी, ठीक है, डन। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा सबसे पहले और बात करते हैं अबाउट द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। बेटा एक बात ना बहुत ध्यान से सुनना और शायद आपको इस चीज का नॉलेज भी होगा, बराबर है, वो क्या है, वो ये कि 2 नवंबर 2018 की बात है। कब की बात है बेटा? 2 नवंबर 2018 की बात है। इस डेट पे एक्चुअली हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं, कौन है बेटा हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया। क्या पास किया बेटा? ऑर्डिनेंस, एक्ट नहीं। सर एक्ट क्यों नहीं बोल रहे हो? सर बोले एक्ट इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इसको पास करने में पार्लियामेंट का कोई हाथ नहीं है, बल्कि ये किसने पास किया? प्रेसिडेंट ने पास किया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे पास किया गया होगा जिस टाइम पे पार्लियामेंट जो है वो सेशन में ही नहीं था। मैं यहां एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ये अच्छे से पता है कि कोई भी एक्ट जो है उसको पास करने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट हाउसेस के पास होता है, और अगर वहां से पास हो जाता तो उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास में एसेंट के लिए, बराबर है। लेकिन यहां पे इन बिटवीन ऑफ द सेशंस, मतलब इसके पहले कि पार्लियामेंट के सेशन जो है वो बैठते, उसके पहले ही क्या हुआ? उसके पहले ही आपके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया, बराबर है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ऑर्डिनेंस पास किया, इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर इस ऑर्डिनेंस को पास करने के पीछे कारण क्या था, क्या चीज थी जो आप यहां एक्चुअली करना चाहते थे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। सब बोले इस ऑर्डिनेंस से जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, इस कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए। क्या लाए गए बेटा? अमेंडमेंट्स लेके आए गए। और मैं आपको बताऊं कि वैसे तो अमेंडमेंट बहुत सारे आए, लेकिन कुछ कुल 16 सेक्शंस आपके ऐसे हैं जिसमें एक जैसा अमेंडमेंट वहां पे लाया गया। सब बोले क्या अमेंडमेंट लेके आएगा? ध्यान से सुनिएगा। सब बोले कंपनीज एक्ट में कुल मिला के 16 सेक्शंस ऐसे हैं जहां पहले जो वर्ड यूज किया गया था वो था फाइन। मतलब कहा गया था कि अगर किसी इंसान ने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया, कंपनी एक्ट जो है उसको फॉलो नहीं किया, उसके रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, तो ऐसे केस में बोले आपके ऊपर फाइन जो है वो लगाया जा सकता है, बराबर। लेकिन उसके बाद में अभी जो ये ऑर्डिनेंस आया है, उस ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रेसिडेंट ने एक बात बोली, बोले जहां जहां वर्ड फाइन लिखा हुआ है, हर जगह नहीं, 16 सेक्शंस में, बराबर है, ये 16 सेक्शंस में जहां जहां फाइन लिखा हुआ है उस फाइन को कट कर दो और वहां बोले आप वर्ड यूज कर दो पेनल्टी। क्या यूज कर दो? पेनल्टी। ध्यान से सुनो, मतलब पहले लिखा हुआ था बोले फाइन लगेगा ऑफ ₹1,000, अभी भी बोल रहा है कि आपको ₹1,000 पे करने पड़ेंगे, लेकिन नॉट एज अ फाइन बट एज अ पेनल्टी, बराबर है। या फिर पहले कहीं लिखा हुआ था बोले कि आपको कुल मिला के ₹1,00,000 का फाइन लगेगा, और अब वहीं लिखा हुआ है कि अब आपको ₹1,00,000 की पेनल्टी लगेगी। अब लोग जो है वो एकदम से कंफ्यूज है, अरे सर बोले पहले फाइन की बात कर रहे थे, पेनल्टी की बात कर रहे, साला आखिर फर्क क्या इन दोनों चीजों के अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर बोले, बराबर है। तो अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर पॉइंट ऐसा है कि जब आप यहां बात कर रहे थे फाइन के बारे में, तो फाइन इंपोज करना जो अथॉरिटी है वो है आपके एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास, अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बात करूं, मतलब क्वासी जुडिशियल बॉडी के पास में पावर है, बराबर है। लेकिन यहां कहा गया बोले एक काम करो, ये फाइन वर्ड को हटा के पेनल्टी कर दो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप पेनल्टी लगाने की बात करते हैं, ये पेनल्टी लगाने का जो पावर है वो होता है आरडी के पास एंड आरओसी के पास, या फिर सिंपली मैं बोल देता हूं कि पावर जो है वो एमसी डिपार्टमेंट के पास है। सर व्हाट डू यू मीन बाय द एमसी डिपार्टमेंट? सर एमसी डिपार्टमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, सीधी बात, नो बकवास। अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बात करता हूं, तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एमसीए, दैट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बेटा बहुत ध्यान से पॉइंट सुनिएगा, पहले कैसा होता था कि अगर मान लो किसी कंपनी ने कोई कंपनी लॉ के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, तो ऐसे केस में आपका जो ये एमसी डिपार्टमेंट है
ये जाता था एनसीएलटी के पास और एनसीएलटी को जाके बताता था, सर आपको पता है इस बंदे ने ऐसा ऐसा नहीं किया, बराबर है, यानी कि छोटी से छोटी बात थी या बड़ी से बड़ी बात थी, आपको कहां जाना पड़ता था, सीधा एनसीएलटी के पास। फिर उसके बाद में एनसीएलटी देखता था, अरे अच्छा ऐसा हुआ क्या, चलो ठीक है, बोले इसके ऊपर फाइन लगा दो, मैं ऐसा ऑर्डर पास करता हूं। अब सोचने की बात है भाई कि अगर 1000 रुपए के फाइन के लिए केस जो है वो एनसीएलटी के पास में जा रहा है तो दो गलत चीज हो रही है। क्या? सबसे पहली बात, आप एनसीएलटी का जो टाइम है वो खराब कर रहे हैं। क्यों? अरे भाई एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, उसके पास में इतने सारे बड़े बड़े केसेस होंगे, ये अभी नई चीज आई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं तो सर इतने सारे केसेस और ये बड़े बड़े केसेस हैं जिनको एनसीएलटी को डील करना पड़ रहा है, बराबर है। अब उनके बीच में ये 1000 रुपए का फाइन लगाने का जो केस है वो भी किसके पास? एनसीएलटी के पास, बराबर है। तो सर दो चीजें, सबसे पहली बात, अगर ये केस एनसीएलटी अभी देख रहा है तो एनसीएलटी का टाइम खराब हो रहा। दूसरी बात, अगर एनसीएलटी ने बोला कि 1000 रुपए की बात है, रुको होल्ड करो, सोचता हूं, बोले बताता हूं, बोले आपको, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के लिए नुकसान की बात, बराबर है, और गलत जो काम हो रहा था वो हो रहा था वो अलग। तो ऐसे केस में सिंपली एक ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया गया और जो अथॉरिटी बेसिकली एनसीएलटी के पास हुआ करती थी उस अथॉरिटी को डाइवर्ट कर दिया किसके पास में? एमसीए के पास, बराबर है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, वापस से रिपीट कर रहा हूं, जो अथॉरिटी क्वासी जुडिशियल बॉडी के पास हुआ करती थी उस अथॉरिटी को डाइवर्ट कर दिया किसके पास में? एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के पास। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे बताया कि अगर हम यहां सिंपली बात करते हैं तो ये वाली अथॉरिटी का काम है लॉ बनाना, ये वाली अथॉरिटी का काम है लॉ के हिसाब से चीजों को इंप्लीमेंट करवाना, और ये वाली अथॉरिटी का काम है लॉ के हिसाब से प्रॉपर डिसीजन वगैरह जो होते हैं वो सुनाना, बराबर है। लेकिन हमें पता है कि अगर मैं इस बॉडी की बात करता हूं तो इस बॉडी के पास ऑलरेडी बहुत सारे डिसीजन सुनाने के लिए काफी सारे केसेस जो हैं वो आए हुए हैं, तो हर एक छोटा मोटा केस भी अगर इसके ही पास आएगा तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, बराबर है। दूसरी बात एक और सुनो, क्या? सर बोले अगर मैं कोई लॉ बनाने की बात करता हूं तो पावर किसके पास है? बोले लेजिस्लेटिव बॉडी के पास, यानी कि पार्लियामेंट के पास, बराबर है। मतलब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, सब बोले एक एक्ट जो है वो बनाया गया जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। इस एक्ट को बनाने के लिए क्या किया गया होगा? सबसे पहली बात, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं उन्होंने अपना अपना कंसेंट दिया होगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास में बात गई होगी, उन्होंने अपना कंसेंट दिया होगा। बोले बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही बोले चीज है, यही पावर है, राइट। लेकिन ठीक है, अब साथ में एक और बात ध्यान से सुनो, क्या? सर बोले आपका जो ये कंपनीज एक्ट 2013 है, बराबर है, इसी एक्ट के अंदर एक सेक्शन आपको दिया गया है, आई बिलीव सेक्शन नंबर 468 और उसके आसपास के एक दो सेक्शंस और दिए गए, बराबर है। उन सेक्शंस के हिसाब से कुछ चीजों का जो लेजिस्लेटिव पावर है वो पार्लियामेंट ने दिया हुआ है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मतलब सर सीधा एमसीए के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। क्या बात कर रहे हैं, सही ना? बोले बिल्कुल सर। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013 जो है, या कंपनीज एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट वगैरह करना होता है, उसका जो प्राइमा फेसी पावर होता है वो किसके पास होता है? लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि पार्लियामेंट के पास। लेकिन इसी एक्ट से जुड़े हुए जो कंपनीज रूल्स बनाने होते हैं या उनके अंदर जो अमेंडमेंट लेके आना होता है, उस पर्टिकुलर चीज को लाने की अथॉरिटी किसके पास में दी गई है? बोले ये दी गई है एमसीए के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बराबर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी दी गई। अब सवाल आया कि सर लेकिन ये तो मतलब आप ना डाइवर्जन कर रहे हो, यानी कि जिसका काम एग्जीक्यूशन करने का था, लॉ इंप्लीमेंट करवाने का था, उसको आपने लॉ बनाने का पावर दे दिया। हां कभी कभी देना पड़ सकता है, क्यों? क्योंकि अगर पार्लियामेंट सारे लॉज बनाती रहेगी, हर छोटी छोटी चीजों के लिए लॉज बनाती रहेगी, प्रोसीजरल वाले लॉज बनाती रहेगी, सब्सटेंटिव वाले लॉज बनाती रहेगी, तो पार्लियामेंट पागल हो जाएगी एंड चीजें जो है वो डिले होती जाएंगी। अगर चीजें डिले होती जाएंगी तो इकोनॉमी के लिए वैसे भी हानिकारक होगी, बराबर है। तो कुछ केसेस के अंदर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ केसेस के अंदर लॉ बनाने का जो पावर है वो डेलीगेट किया जा सकता है बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी टू द एग्जीक्यूटिव बॉडी।
दूसरी बात, कुछ केसेस के अंदर कुछ चीजों में जुडिशियल वगैरह जो है ये पावर भी कुछ केसेस में बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट तक ये पावर जो है वो भी दिया जा सकता है। कौन सी बॉडी को? एग्जीक्यूटिव बॉडी को। यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब मैं सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट कहना चाहता हूं, और जब मैं यहां सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं इसका मतलब कि मैं यहां रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं। सर, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का मतलब क्या है? डिपेंड करता है कौन से एक्ट के हिसाब से बात कर रहे हो। कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हो, फीमा की बात कर रहे हो, इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हो, या फिर कौन से एक्ट की बात कर रहे हो। हर एक्ट के लिए अगर मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करूं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो उसके लिए एक मिनिस्ट्री जो है वो ऑलरेडी अपॉइंटेड है। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये जो पहला टॉपिक इस चैप्टर का आपका है वो इसी टॉपिक के बारे में बात करता है कि आखिर एग्जीक्यूटिव बॉडी को कितना लेजिस्लेटिव पावर दिया जा सकता है, किस हद तक दिया जा सकता है, उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरीके से चीज करी जाएगी। बराबर है? इसके बारे में डिटेल में वर्ड्स जो है एक एक करके अपन यहां पर पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, इन व्यू ऑफ द मल्टीफेरियस एक्टिविटीज ऑफ द वेलफेयर स्टेट। बोले अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के बारे में जिसका मेन काम जो है वो होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना, ठीक है, तो अगर मैं उस सोसाइटी की एक्टिविटीज की बात करूं तो बहुत सारे काम होते हैं उस गवर्नमेंट के पास करने के लिए, ठीक है सर। द लेजिस्लेचर कैन नॉट वर्क आउट ऑल डिटेल्स टू फिट द वेरिंग एस्पेक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इट मस्ट नेसेसरी डेलीगेट द वर्किंग आउट ऑफ द डिटेल्स टू द एग्जीक्यूटिव और एनी अदर एजेंसी। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, सारे के सारे काम लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो देख सकती है ऐसा जरूरी नहीं है, ना ही तो उतना टाइम है, और हर छोटे छोटे एस्पेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट वर्क नहीं कर सकता। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि सर पार्लियामेंट साल भर सेशन में नहीं होता है, राइट? सारे के सारे जो आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, सदन जो आपका चलता है, जूते चप्पल जो फेंके जाते हैं, क्या वो डेली बेसिस पे होता है? आंसर इज नो। शीत सत्र, ग्रीष्म सत्र, बराबर है, तो ये अलग अलग टाइप के सेशंस जो हैं वो होते हैं। सिर्फ उन्हीं सेशंस के अंदर आपका जो पार्लियामेंट है कुछ दिनों के लिए सेशन में रहता है, ठीक है, बोले ठीक है सर। देयरफॉर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी इज द ग्रोथ इन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव वाली बॉडी है, जो मिनिस्ट्री है, उनके पास भी कुछ केसेस में क्या करने का पावर दिया गया है? कानून बनाने का पावर जो है वो दिया गया है, ठीक है। There is no such general power granted to the executive to make law. It only supplements the law under the authority of legislature. ध्यान से सुनिएगा, यानी कि generally law बनाने का जो power है, generally law बनाने का जो power है वो सिर्फ और सिर्फ legislative body के पास में है, लेकिन हाँ कुछ cases के अंदर supplementary power जो है law बनाने का वो दिया गया है किसके पास में? Executive body के पास। This supplementary legislation is known as delegated legislation. Legislative body ने अपना जो power था legislation का, यानी कि law बनाने का, वो delegate कर दिया किसके पास? Executive body के पास। क्यों कर दिया? क्योंकि legislative body के पास हर छोटी छोटी चीजों में कानून बनाने का शायद time ना हो, right? ठीक है। और also called as subordinate legislation. The development of the legislative power of administrative authority in form of delegated legislation occupies very important place in the study of the administrative law. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं necessity के बारे में। So, बोले ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि पार्लियामेंट जो है वो अपना काम खुद ना करते हुए किसी और को डेलीगेट कर रहा है, उसकी जरूरत क्या है? ठीक है, तो ध्यान से, पार्लियामेंट कैन नॉट सप्लाई द नेसेसरी क्वांटिटी एंड क्वालिटी लेजिस्लेशन फॉर इफेक्टिवली रनिंग द कंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं सर, हो सकता है कि चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियो के हिसाब से, चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से आपको आपके एक्ट के अंदर कभी कभी कंटिन्यूअसली आपको डेवलपमेंट जो है वो लाने पड़े, कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट जो है वो आपको लेके आने पड़े। एग्जाम्पल, रिसेंटली शायद आपने सुना होगा कि हमारे इसी सिलेबस के अंदर जो आपका कंपनी लॉ है उससे जुड़े हुए काफी सारे अमेंडमेंट्स जो है वो लाए जा रहे हैं, बराबर है, ऑन द वी कैन से मंथली बेसिस और समथिंग लाइक दैट, राइट। अब पॉइंट ये है कि भाई साहब फिर से वही चीज हो गई कि जब पार्लियामेंट सेशन में बैठ ही नहीं पाते तो मंथली बेसिस पे वो कैसे सारे अमेंडमेंट लेके आ सकते हैं, कैसे सारी चीजों को पास कर सकते हैं, बराबर है, ठीक है। तो कहता है द पार्लियामेंट सिट्स ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड, ये सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट जो है वो कुछ ही टाइम पीरियड के लिए बैठता है, ऑफ द टाइम वेयर एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर दैट देयर मस्ट बी लॉ मेकिंग बॉडी अवेलेबल ऑन द टैप। ये बहुत जरूरी है, क्यों? सिनेरियो सर चेंज होते जा रहे हैं, लगातार चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इकोनॉमिक सिनेरियो की बात करूं तो आपका इकोनॉमिक सिनेरियो आपकी कंपनी आपकी कंट्री के अंदर जब देखो तब चेंज हो रहे हैं, उसके हिसाब से उसके कंसिस्टेंसी में प्रॉपर लॉ जो है उसको बनाए रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है जो कि पार्लियामेंट नहीं कर पाएगी। द रीजन बीइंग कि वो हर टाइम पे अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, ओके। सर्टेन इमरजेंसी सिचुएशंस में अराइज विच नेसेसिटेट द स्पेशल मेजर, इन सच केसेस स्पीडी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। द पार्लियामेंट कैनॉट एक्ट क्विकली बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल नेचर एंड बिकॉज ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्लियामेंट टू इनेक्ट द लॉ। वी ऑल नो अबाउट इट। अगर मैं कंपनीज एक्ट की ही बात करूं तो हमने ये सुना है, हमने ये जाना है कि जो कंपनीज एक्ट 2013-2014 में आया, जो कंपनीज एक्ट 2013-2014 में आया उस एक्ट को लाने की बात 2009 में कर दी गई थी, 2009 में कर दी गई थी। अगर आप थोड़े ओल्ड स्टूडेंट अगर आप होंगे तो शायद हमने इसके बारे में पहले भी बात करी, ठीक है। लेकिन ये एक्ट कब आया बेटा? ये एक्ट आया 2013 के अंदर, 13 मतलब 14 के अंदर आया, ठीक है। एक्ट का नाम 13 है, बराबर है। तो कितना टाइम लग गया सर, कितना सारा टाइम लग गया। क्यों सर? बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके पार्लियामेंट के ऊपर भी जिसकी वजह से प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर चीजें नहीं हो पाती, ठीक है, बोले ठीक है सर। दूसरी बात, द बल्क ऑफ बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट हैज इंक्रीज्ड। पार्लियामेंट के पास में जो काम वगैरह है, फाइनेंस एक्ट को बनाना, हर साल का बजट वगैरह जो है उन सब चीजों पे वर्क करना, और वीकेंड से पार्लियामेंट में जूते चप्पल फेंक के मारना वगैरह, ठीक है, तो ये सब काम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एंड इट हैज नो टाइम फॉर कंसिडरेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एंड द टेक्निकल मैटर्स। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्निकल वाले मैटर्स हैं उन पे ध्यान देने का टाइम इनके पास में नहीं है। द पार्लियामेंट कैन नॉट प्रोवाइड द सोसाइटी विद द रिक्वेस्टेड लेजिस्लेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम द पार्लियामेंट इज डिवोटेड टू द पॉलिटिकल मैटर्स, मैटर्स ऑफ द पॉलिसी एंड पर्टिकुलरली द फॉरेन अफेयर्स। आपका जो पार्लियामेंट है वो इन सारे बड़े बड़े चीजों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है जिसकी वजह से वो आपके इन चीजों पर ध्यान, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता जो कि बेसिकली टेक्निकल नेचर के होते हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन मैटर्स कवर्ड बाय द डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस आर ऑफ टेक्निकल नेचर विच रिक्वायर हैंडलिंग बाय द एक्सपर्ट्स। अरे सर ये मतलब आप मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही भिगो भिगो के मार रहे हो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनमें अनपढ़ गवार जो एमएलए वगैरह हैं उनके होने से काम नहीं चलेगा, एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है, बराबर है। और जब आप यहां एक्सपर्ट लोगों की बात कर रहे हैं तो उससे क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं मिनिस्ट्रीज की बात करूं तो माना कि मिनिस्टर्स जो हैं शायद पूरी तरीके से एक्सपर्ट ना हो, लेकिन उनके अंडर जो कमिटीज वगैरह बनाई जाती हैं जो कि मंथन करके हर चीजें प्रॉपर तरीके से अनाउंस करते हैं वो लोग तो एक्सपर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। इन सच केस इट इज इनएविटेबल दैट पावर टू डील विद सच मैटर इज गिवन टू द एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी to be exercised according to the requirements of the subject matter. Legislature cannot provide for such matter as the members are at best politician and not expert in the various sphere of the life. Sir, kuch matters on the very serious note, kuch matters aise bhi hote hain jinmein financial expert ki zarurat hoti hai, accounting expert ki zarurat hoti hai, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट की जरूरत होती है, बराबर है। तो अगर आप उन मैटर्स की बात करें तो उन मैटर्स के लिए क्या जरूरी बेटा कि उसका जो एक्सपर्ट बंदा रहेगा वो बंदा उस चीज के अंदर डील करे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पार्लियामेंट व्हाइल डिसाइडिंग अपॉन अ सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन कैन नॉट फॉरसी द डिफिकल्टीज। विजन की कमी होती है। क्यों कमी होती है? सबसे पहली बात, पार्लियामेंट में आपकी रूलिंग पार्टी है और आपकी अपोजिशन पार्टी है। रूलिंग पार्टी जो है उसने अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ जो भी रहेगा उनसे जो बिल आया होगा, प्रस्ताव आया होगा, उनको यहां पे सुना के बता रहा है, बराबर, कि ऐसा 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 ये रहेगा करके, ठीक है। लेकिन जो भी आपका ये बिल यहां लाया जा रहा है उस बिल का एक्चुअल में सोसाइटी पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कितने टाइम तक पड़ेगा, और उस चीज का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो है वो आपका क्या रहेगा, ये चीज को एनालाइज करने में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्लियामेंट है वो इफेक्टिव ना रहे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात कि आपका जो पार्लियामेंट है उसमें जो प्रस्ताव रखा जा रहा है वो शायद इस चीज में एक्सपर्ट ना हो,
बराबर है? बोले ठीक है सर. विच मे बी एनकाउंटर्ड इन इट्स एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंगली वेरियस स्टेट्यूट्स कंटेन अ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज एम्पावरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन टू रिमूव सच डिफिकल्टी बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ मेकिंग द रूल. जैसे मैंने आपसे बताया कंपनी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट बनाता है, लेकिन रूल बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास में है? गवर्नमेंट के पास है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यानी कि एमसी क्या करता है? डेली बेसिस पे कंपनी लॉ के साथ डील करता है, डेली बेसिस पे जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस हैं उनमें डील करता है. तो उनको पता है कि कहां कब कैसे क्या रूल जो है वो बनाया जाना चाहिए और किस हिसाब से वर्कआउट एक्चुअली किया जाना चाहिए. ठीक है, बोले ठीक है सर. एंड रेगुलेशंस दीज क्लॉजेस आर ऑलवेज सो वर्डेड दैट वेरी वाइड पावर आर गिवन टू द एडमिनिस्ट्रेशन. जैसा मैंने आपसे बताया कि कंपनीज एक्ट जो है उसी में ही अलग से लिखा हुआ है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली जब चाहे तब रूल्स जो है उनको अमेंड कर सकता है, उनमें चेंजेस ला सकता है या नए रूल्स को भी नोटिफाई कर सकता है. राइट, ठीक है सर. फिर उसके बाद में दीज क्लॉजेस आर ऑलवेज, ठीक है. पांचवा रीजन द प्रैक्टिस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी इन द लॉ. लॉ में क्या नहीं रहेगी? रिजिडिटी नहीं रहेगी, मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा अगली बार पार्लियामेंट कब सेशन में आएगा, जब पार्लियामेंट सेशन में आएगा तब देखेंगे, बोले तब तक जैसा चल रहा है चलाते रहो. अरे सर क्या बात कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल शायद आप बहुत अच्छे से उसको कोरिलेट कर पाए. अगर मैं बीकॉम की बात करता हूं तो आज की डेट में भी काफी यूनिवर्सिटीज में बीकॉम में कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा जा रहा है. रिजिडिटी, जब तक बोले उसमें चेंज नहीं आता है, सिलेबस चेंज नहीं करते चलता रहेगा. राइट, सेम ऐसा ही लॉ के साथ भी हो सकता है भाई, सेम ऐसा ही प्रैक्टिकली कंट्री के साथ में भी हो सकता है, विच इज वेरी 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 मच बैड, विच मे हैव वेरी बैड इंपैक्ट. बराबर है, डन, ठीक है. द रूल्स एंड द रेगुलेशंस इफ फाउंड टू बी डिफेक्टिव कैन बी मॉडिफाइड क्विकली. अगर कहीं पे भी एमसी डिपार्टमेंट को लगता है या किसी भी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को लगता है कि जो रूल यहां पे पार्लियामेंट में पास किए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली जस्ट बाय गिविंग अ नोटिफिकेशन उस चीज में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है और अमेंडमेंट जो है वो लाया जा सकता है. ठीक है, डन. एक्सपेरिमेंट्स कैन बी मेड एंड एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबली होना चाहिए, नॉट लिटी, प्रॉफिटेबली यूटिलाइज्ड. ठीक है, तो ये काम जो है वो यहां पे किया जा सकता है. इस वजह से ध्यान से सुनिएगा, ये पांच रीजंस बेटा मैंने आपको यहां पे बताए, ये पांच रीजंस की वजह से यहां बोला जा रहा है कि आपकी जो ये लेजिस्लेटिव पावर है, कानून बनाने का जो पावर है, उस पावर को डेलीगेट किया जा सकता है बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी. एंड इन एक्चुअल ये एक्चुअल में किया भी गया है. और एग्जीक्यूटिव बॉडी आपकी जो होती है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो आपकी होती है, मिनिस्ट्रीज वगैरह, उनको पावर दिए गए हैं. हालांकि जनरल पावर नहीं दिया गया है, बराबर है, सिर्फ सिलेक्टिव पावर उनको दिए गए हैं. मेन पावर जो है वो आज भी पार्लियामेंट के पास में ही है, लेकिन जहां जहां पे छोटी छोटी चीजों के लिए कहीं पे चेंजेस वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, क्विक एक्शन लेना रिक्वायर्ड होता है, वहां वहां पे पावर जो है वो डेलीगेट किया गया है किसके पास में? एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास. ठीक है, और क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ दीज फाइव रीजंस. सिंपली बोल सकते हैं पार्लियामेंट के पास में टाइम नहीं है, दूसरा बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो रेगुलरली बैठता नहीं है, तीसरा पार्लियामेंट हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक्सपर्ट होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, चौथा पार्लियामेंट जो है वो रिजिड आपका रहता है, सेशन डिले होगा जिसकी वजह से क्विक रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दे पाएंगे, और क्विक रिस्पॉन्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, बोले ठीक है सर. However, the attitude of the jurist towards the law making by executive has not been unanimous. यानी कि कुछ लोगों का, कुछ जजेस का बोलना है कि executive body के पास में power होनी चाहिए और कुछ का बोलना है कि नहीं होनी चाहिए. The practice of delegated legislation was considered to promote centralization. It was said that the delegated legislation preserved the outward show of representative institution while pressing the arbitrary and irresponsible power in the new hand. It was believed that the law making by administration would lead to increase governmental interference in individual activity and usurpation of the legislative power by the executive. बहुत ही important बात कही. कुछ लोगों का, कुछ judges का यहाँ पे ऐसा मानना है या उनकी ऐसी दलील है कि सर पहले हमने कहा कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास? पार्लियामेंट के पास. काय को? लॉजिक ध्यान से सुनो.
काय को बोले? बोले सर वो इसलिए क्योंकि हमारी जो ये कंट्री है, हमारी कंट्री के जो 135 करोड़ की जनता है, उन सारे लोगों ने मिलके एमपी और एमएलए को चूज किया होगा उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से, बराबर है। एंड वहां पे बकायदा इतने सारे लोग होते हैं जो लोग वहां बहस करते हैं, बहस करके वो ये बताते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, एंड अगर मेजोरिटी का कंसेंसस आता है तो ही कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो लॉ बनता है, बराबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहां पे कि पार्लियामेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है कौन? पार्लियामेंट। बोले बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे साथ में आती है कि आपका जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के अंदर बकायदा इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में बहस होती है, और अगर फाइनली ये कंक्लूड किया जाता है कि हां किसी लॉ को या किसी एक्ट को किसी भी रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट करना वैल्यूएबल रहेगा, काम कर रहेगा, तो ही वो चीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता, बराबर है। तो इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए जजेस का, कुछ जजेस का यहां पे कहना है कि जो ये डेलीगेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव के पास किया जा रहा है, इससे बेसिकली आप गवर्नमेंट के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में एक अलग ही टाइप का पावर दे रहे हो, जिसको कि आपका जो गवर्नमेंट है वो मिसयूज भी कर सकता है, बायस भी हो सकता है। Are you getting the point? तो उस हिसाब से हो सकता है कि वो रूल जो है उनको अपने ही फेवर में मॉडिफाई कर ले। अब ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज, पार्लियामेंट जो है वो आपकी सेपरेट बॉडी है, गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपकी सेपरेट बॉडी है, एंड जुडिशियल बॉडी जो है वो भी आपकी इंडिपेंडेंट सेपरेट बॉडी है, बराबर है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर दे दिया जो कि कल को जाके ऐसा कुछ काम कर सकती है जिसकी वजह से आम आदमी को गवर्नमेंट के अगेंस्ट जुडिशियल बॉडी के पास में केस फाइल करना पड़े, ऐसा हुआ भी, पहले ऐसा हो भी चुका है कि यूनियन ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किसी कंपनी ने या किसी बंदे ने केस फाइल किया है, यस और नो, बराबर है। तो सर यहां पे ये चीज भी तो हो सकती है ना कि जो गवर्नमेंट आपकी है वो चीजों को गलत तरीके से यूज करे, ठीक है। तो कुछ जजेस का यहां मानना है कि जो यहां पे ये डेलीगेशन ऑफ पावर किया गया है, माना कि हो सकता है सब्सटेंटिव नेचर का नहीं होगा, यानी कि कुछ गिने चुने चीजों के लिए ही दिया गया होगा, बट स्टिल पावर दिया गया है, विच इज नॉट गुड एट ऑल, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो यहां कुछ जजेस का ऐसा भी कहना है, गॉट इट। चलिए, तो ये नीड्स जो है वो आपको यहां पर